नमस्कार दोस्तों, पुद्गल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे। जो हमने प्रश्न उत्तर बनाए हैं, क्वेश्चन आंसर्स, जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज पे प्रश्न, चाहे वो एमपी पटवारी में के सिलेबस में दिया गया हो, सिविल सर्विसेज में प्रमुखता से आता है और व्यापम की कई परीक्षाओं में आता है, तो हम आज उन्हें देखते हैं एक एक करके और उन प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा भी करते हैं। पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि क्या है? तो पंचायती राज की जो प्रमुख उपलब्धि है वो डिसेंट्रलाइजेशन से गवर्नमेंट का, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण इसका बी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तरीय तंत्र हैं? तो तीन स्तरीय तंत्र है, ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर, तो इसका उत्तर तीन आएगा। जिला परिषद का कार्य क्या है? इसका कार्य है कोऑर्डिनेशन करना और ऑब्जर्वेशन करना, तो इसका उत्तर आएगा बी, समन्वय और पर्यवेक्षण करना। अगला प्रश्न हम देखें, पंचायती राज के विषय में कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो बात करें अगर 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची नहीं हो सकता क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ पर दिया गया है, दल बदल के आधार पर। 12वीं की बात करें तो म्यूनसिपालिटीज के लिए, जो कि 74वें संशोधन से आई थी। 8वीं की बात करें तो लैंग्वेजेस पे दिया गया है, 8वीं भी नहीं हो सकता, इसलिए 11वीं पे अनुसूची आएगी, जिसमें पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारी दी गई है, जिसके अंदर 29 विषय और 73वें संविधान संशोधन में दिया गया है। अगली बात करें, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो इसकी मिनिमम आयु जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए। अगली बात करें, पंचायत राज समिति की सिफारिश किस समिति ने की? तो इसका उत्तर आएगा बलवंत राय मेहता कमेटी ने। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बात कही है कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान लगाया था। उस 5 ईयर प्लान में एक डेवलपमेंट काउंसिल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था 1952 में, जिसके अंतर्गत रूरल डेवलपमेंट हो, कैसे सरकार ग्राम से जुड़े, तो इसकी समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी को अपॉइंट किया गया। अगली हम बात करें अगले प्रश्न की, तो बलवंत राय मेहता समिति का पंचायती राज लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण लोगों को अपना शासन के लिए उत्तरदायी बनाना, कि कैसे वो अपना शासन खुद कर सके और कैसे अपनी अपने ग्राम लेवल पर विकास कर सके। पंचायती राज का क्या प्रदान करता है हमें पंचायती राज? तो यह हमें डेमोक्रेसी प्रदान करता है लोअर लेवल पर, तो इसका उत्तर आएगा ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अब अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब लागू हुआ? तो मध्य प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जिसने 73वें संशोधन के बाद इसे लागू करा, तो इसका उत्तर आएगा 25 जनवरी 1994। अब हम बात करें अगले की, तो पंचायती राज पंचायत की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो अगर हमने भाग पढ़े हों तो 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 5 जो है वो यूनियन गवर्नमेंट है, और सेकंड भाग जो है वो इंडियन सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप्स का के बारे में दिया गया। तो इसलिए उत्तर आएगा इसका 4, क्योंकि उसमें DPSP दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके आर्टिकल 40 में दिया है कि ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। अब हम बात करें अगली, पंचायती राज के स्तर कौन से हैं? तो हमने देखा है पुराने क्वेश्चन में ग्राम, खंड और जिला लेवल। अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्राम पंचायत में शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ना ही वो प्रधान होता है, ना ही सभा का सदस्य होता है, वो ग्राम का उप प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन बात करें, समता समिति का अध्यक्ष कौन होगा? समता समिति का अध्यक्ष जो 5 चुने गए पंच है उनमें से कोई एक होता है। पंचायती राज का 3 स्तरीय तंत्र कहाँ लागू नहीं होता? तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बात कही थी कि जहां भी 20 लाख से कम जनसंख्या हो वहां लागू नहीं होगा पंचायती राज। अब बात करें, कौन सी अनुसूची ग्राम पंचायतों पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार देती है? तो अगर बात करें 3री अनुसूची की, तो यह विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रतिज्ञान का प्रारूप है इसमें। 5वीं अनुसूची की बात करें तो SC/ST का एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। और 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये भू सुधार और खंड जमीन प्रणाली इनके लिए दिया गया है, तो इसीलिए इसका उत्तर आएगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अगली बात करें, किस राज्य में पंचायतों को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? यह तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत के कौन से क्षेत्रों में पंचायती राज लागू नहीं है? यह नागालैंड, मिजोरम,
और मणिपुर के क्षेत्रों में लागू नहीं है। और भी दो राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, जहाँ पर परिषद है, वहाँ पर भी ये लागू नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार किस एक्ट के अंतर्गत हुआ, तो ये पीसा एक्ट है, जिसे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज भी कहा जाएगा। पीसा एक्ट कब आया? यह आया 24 दिसंबर 1996 में। इसके बाद बात करें भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ, तो ये राजस्थान के नागौर जिले में हुआ 2 अक्टूबर 1959 को, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने करा। अब बात करें ग्राम स्वराज की अवधारणा किसकी है, तो ये महात्मा गांधी की है अवधारणा, जो चाहते थे। पंचायती राज की संविधान संशोधन, बहुत ही सरल प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो ये 9वें भाग में दिया गया है। इसके प्रावधान 243 से दिया गया अनुच्छेद। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो हमने देख ही लिया 243 में, पर ये दिया गया 243 ख में। अब अगर हम बात करें पंचायतों की सदस्य कौन सुनिश्चित करता है, तो राज्य का विधानमंडल सुनिश्चित करता है इसकी। धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अंत में आपको अगर इस तरह के और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने सुझाव जरूर इस कमेंट बॉक्स में लिखें। हम और भी वीडियो इस तरह के बनाते रहेंगे। धन्यवाद।